हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं वो मेरे प्यारो, उम्मीद है सबके सब बहुत अच्छे होंगे। आपके अच्छे मिजाज को और ज्यादा अच्छा करने के लिए खूबसूरत सा गाना लेके आ गए हैं। गाने का नाम ऐसा है सुनते ही सब झूम उठेंगे। गाने का नाम है कैलाश धुआं धुआं। भोले बाबा के ऊपर गाना है और गाना गाया है खेसारी लाल यादव एंड अमृता दीक्षित। अमृता दीक्षित पता नहीं मॉडल है इस गाने में या इन्होंने गाना गाया है, आई डोंट नो। मॉडल है खेसारी लाल यादव, मॉडल भी हैं और गाना भी गाया है। तो अब देखते हैं इसमें फीमेल वॉइस है भी या नहीं। हाँ। क्योंकि खेसारी लाल यादव ऐसे सिंगर हैं जो अकेले ही अपने ही दम पे गाने को एंड तक ले जा देते हैं और चल भी जाता है गाना, ट्रेंडिंग में भी चला जाता है। चलिए गाने को सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, इसके बाद बात करेंगे। बात करेंगे presented by the night music world mahadev mahadev har har ke hai hai zilam mein raja har har ke खाके भंगिया के गोला मरता वाला हुआ भोला नीला नीला गगन ये हुआ है। माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। कैलाश धुआं धुआं है, कैलाश धुआं धुआं है, क्या बात है। कैलाश धुआं धुआं है, कैलाश धुआं धुआं है, गोपाल धुआ धुआ है, धुआ धुआ है। करते मृदंग मृग छाला पहान के, डमरू बजाते हैं जोगिया ये मान के। माइंड ब्लोइंग। सर पे अपने सजाए हैं सन के। ये तो है विषधारी शिव समुद्र पुराने विष पी गए भर भर कुआं है। कैलाश धुआं धुआं है, कैलाश धुआं धुआं है, क्या बात है। कैलाश धुआं धुआं है, सावन में अपने भक्तों पे अमृत बरसाते, दर्शन के आतुर सारे चरणों में आते। लिखे जय वचन गावे खेसारी भजन पर हुआ जो चरण को छुआ है। तो भैया मैं क्या ही बोलूं यार, मतलब
करंट दौड़ गया मेरे तो शरीर में से, सच्चाई बता रहा हूँ। गाने की वीडियो के बारे में बातें बात कर रहे हैं, वीडियो भी निकाल के साइड में रखते हैं यार, लेकिन जो ऑडियो थी ना, माइंड ब्लोइंग यार। मैं सच में मैं खेसारी लाल यादव जी का और बड़ा फैन हो गया हूँ यार, गजब की आवाज़ दी है इस गाने में। एंड साथ में जो लेडी सिंगर थी अमृता जी, उन्होंने भी खूबसूरत आवाज़ दिया यार, क्या मज़ा आ गया बिल्कुल यार। मतलब उन्होंने ना सब कुछ बता दिया कि भी शिव जी गंगा में, वो गंगा को सिर पे बांध के बैठे हैं, सब कुछ उन्होंने बता दिया कि मतलब क्या क्या बोलूँ क्या बोलूँ मेरे को, अब तो क्या बोलूँ। अरे नहीं कि भी सब कुछ बता दिया शिव जी के बारे में कि भी। हाँ क्या, मेरे को समझिए आप क्या कह रही हो। बहुत अच्छा गाना था मतलब यार बहुत कुछ चल रहा है दिमाग के अंदर बोलने के लिए, लेकिन ना मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए। नहीं आएंगे क्या, निकालो फिर वर्ड्स, कहो अपने दिल की। कंफ्यूज हो रही ना मैं, कैसे बोलूं। तो गाइज बड़ा खूबसूरत गाना था सच में। और अभी इसी गाने से ना मेरे को एक दो दिन पुराने बात चल रही थी, एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं कैलाश के ऊपर, तो उसमें एक बंदा था वो कैलाश के मतलब सबसे ऊपर ना आज तक वही बंदा गया, तो उस बंदे ने बताया मतलब और भी गया, एक मॉन्क भी गया था, मतलब एक मॉन्क ही है जो इतना ऊपर तक जाके वापस आया, तो उस मॉन्क ने बताया कि भाई ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी को भी, वहाँ किसी की एंट्री नहीं है। अच्छा। भोले बाबा बोलते हैं कि भाई पूरी धरती दे रखी है तुम्हें, यहाँ तो मुझे रहने दो है? अब तो चाइना ने बैन कर दिया वहाँ पे जाना। तो वहाँ अगर कोई जाता है तो एक हाइट के बाद के कुछ लोग गए थे, तो जब वो वापस आए ना तो उनका शरीर 10 साल बूढ़ा हो चुका था। सीरियसली? हाँ, और अगले कुछ सालों में वो मर गए क्योंकि उनका शरीर बहुत ज्यादा जल्दी एज करने लगा। ऐसे कैसे भाई, ये शक्ति है वहाँ की। और वहाँ बर्फ की भी जो परछाई बनती है वो भी भोलेनाथ दिखते हैं उसमें भी। और बस क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत चमत्कारी बातें हैं। अगर आप कभी पढ़ोगे कैलाश पर्वत के बारे में तो आपको पता चल जाएगा, चाइना में है बाय द वे कैलाश पर्वत, अगर मेरे किसी भाई को नहीं पता है तो। मतलब बहुत कुछ आश्चर्यजनक बातें थी, और ये बातें ना सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने भोले बाबा के बारे में सुनने को मिलेंगे। हाँ। आपको वो प्रमाण हमेशा देते रहते हैं। कुछ साल पहले एक शिवलिंग निकला था सिंगापुर में, पता नहीं था मलेशिया में कौन से देश में निकला था, वो हजारों साल पुराना था। मतलब साइंटिस्ट चौंक गए थे कि भैया ये हजारों साल पुराना वहाँ दबा हुआ है, वहाँ क्या, वो तो अमेरिका में भी निकलेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ निकलेगा। भोले बाबा कोई इंडिया इंडिया के थोड़े ना है। बात क्या है, लोग भूल गए हैं, कलयुग चल रहा है भैया, भूलते जा रहे हैं, अलग दिशाओं में जाते जा रहे हैं, लेकिन भगवान अपना प्रमाण को देने की जरूरत ही नहीं है उन्हें, उनके पुराने दबे हुए बातें निकल रही हैं अभी। सही बात है, ये अमरीका ऑस्ट्रेलिया हमने तो बना दिया, ये भगवान के उसमें थोड़ी रहता है ना। और सच में मतलब दोस्तों आप कभी पढ़ोगे तो ये ऐसी ऐसी और बहुत सारी आश्चर्यजनक बातें मिलेंगी आपको। एक बंदा है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गया था एक ही बारी में, तो उस बंदे को बोला कि भाई आप इस पे भी चढ़ो, बोले मैं नहीं चढ़ूंगा वहाँ पे, बोला वहाँ मरना थोड़े ना मेरे को, देख लो। जबकि कहते हैं माउंट एवरेस्ट ज़्यादा ऊँचा है, लेकिन कैलाश पर्वत चढ़ने की हिम्मत उनमें भी नहीं है यार। काश चाइना की जगह कैलाश पर्वत इंडिया में होता तो बैन भी ना होता ना फिर तो। वहाँ वो किसी वजह उसे बैन किया ना, उसमें से जैसे तरंगे मतलब क्या बोलते हैं, जब ओम की जो फीलिंग होती है ना वो आती है वहाँ से आवाज़, रात को जैसे किसी टाइम पे ओम इस टाइप की तरंगे निकलती हैं, तो बहुत अलग मतलब समझ रहे हो फीलिंग है। और मैं बड़ी जहाँ भी नाम बात है ना भोले बाबा का, मैं वही बड़ी अलग सी फीलिंग रहता हूँ यार। ये बहुत, और इस गाने ने ना मेरे को बहुत ज्यादा टच किया यार, बहुत ज्यादा। बड़ा खूबसूरत गाना बनाया खेसारी लाल, बहुत बड़े भक्त हैं भोलेनाथ के सच में। खेसारी लाल यादव ने बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया, दिल जीत लिया। लेडी सिंगर ने भी माइंड ब्लोइंग सॉन्ग यार, कोई डाउट नहीं इस चीज में, बहुत 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 खूबसूरत गाना। तो गाइज थैंक यू सो मच इतना अच्छा गाना सजेस्ट करने के लिए। आज हम नाम नहीं ले पाएंगे किसी का, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, आज 2-3 गाने और करेंगे, किसी में भी नाम नहीं ले पाएंगे, टाइम की बहुत शॉर्टेज आज। बाकी गाना माइंड ब्लोइंग था, सुपर्ब था, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गाना सजेस्ट करने के लिए, मैंने बहुत एंजॉय किया और नेहा ने भी बिल्कुल। तो गाइज ऐसे अच्छे अच्छे और ज़्यादा गाने सजेस्ट करो और हम उन पर फटाफट रिएक्शन ले आएंगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।